आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुड़ से बनी रेवड़ी की रेसिपी। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि घर पर आप इन रेवड़ियों को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। मकर संक्रांति और लोहड़ी पर इस बार रेवड़ी खुद बनाइए। मेरी ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम से कभी भी मार्केट से रेवड़ी नहीं खरीदेंगे। Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. For more such recipes, please subscribe. रेवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। जो जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ उनको प्रॉपरली फॉलो करें तभी आपकी रेवड़ी परफेक्टली बन पाएंगी। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा घी मेल्ट कर लिया है क्योंकि सर्दियों का टाइम है और एक प्लेट को ग्रीस करके रख दिया है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। मैंने यहाँ पर लिए हैं सफेद तिल, ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप सफेद तिल लिए हैं, इनको मुझे ड्राई रोस्ट करना है। तिल को बहुत ही ध्यान से रोस्ट करें क्योंकि तिल के जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब भी आप तिल रोस्ट करें तो उसको लगातार चलाते रहें, अदरवाइज तिल जल भी सकते हैं। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करना होता है। जब तिल में से चट चट की आवाज आना स्टार्ट हो जाए तब आप समझ लीजिए कि तिल भुनना स्टार्ट हो गए हैं और उसके बाद आपको इसे कुछ इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर तिल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल कर अलग रख दूंगी। जब तक तिल हमारे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी। तो आप देख सकते हैं कि तिल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए मैंने उसी सेम कढ़ाई में आधा स्पून घी ऐड किया है और जितना हमने तिल लिया था उतना ही हमने गुड़ छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर कढ़ाई में ऐड कर दिया है। जितना गुड़ लिया है उसकी आधे से आधा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और गुड़ की चाशनी को अच्छे से बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 1/4 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। गुड़ को अच्छे से मिक्स करते रहिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपको गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ की चाशनी परफेक्ट बननी चाहिए तभी आपकी रेवड़ी भी परफेक्ट बनेगी। इसके लिए आपको गुड़ की चाशनी का टेस्ट करना होता है। वो टेस्ट कैसे होता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए, रेवड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे ही इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाए तो आप एक कटोरी में ठंडा पानी लीजिए, उसमें इस तरीके से एक ड्रॉप इस चाशनी की डालिए। अभी आप देख सकते हैं कि हाथों में चिपक रही है, इट मींस कि चाशनी रेडी नहीं है। तो हमें इसे लगभग 2-3 मिनट तक और इसी तरीके से चलाना है। उसके बाद दोबारा से आप इसकी ड्रॉप डालकर देखिए, अगर ये पानी में जाते के साथ ही सेट हो जाती है, मींस हाथ में नहीं चिपकती है, तो ये सेट है। अभी आपने देखा कि वो सेट नहीं थी तो हमने अगेन इसको इसी तरीके से चलाना है और इसको अगेन हमने एक ड्रॉप डालकर देखी है। अब आप देख सकते हैं कि ये पानी में सेट हो चुकी है, हाथ में लेने पर ये इस तरीके से क्रिस्प होकर टूट जा रही है, इट मींस कि चाशनी बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पर आपको फ्लेम ऑफ कर देना है और आपको इसमें ऐड करना है चुटकी भर सोडा। सोडा डालते के साथ ही आप देख सकते हैं कि गुड़ का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये व्हाइट कलर के फॉर्म में आ जाता है और ये परफेक्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा गुड़ बिल्कुल रेडी है। तिल हम रोस्ट कर चुके थे तो हमने यहाँ पर थोड़े से तिल बचा लिए हैं, बाकी तिल हमने गुड़ में ऐड कर दिए हैं। इस स्टेज पर आपको प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट करना है, अदरवाइज रेवड़ी नहीं बन पाएंगी और गुड़ दोबारा से जम जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को तिल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर कढ़ाई में चिपका हुआ भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर नॉनस्टिक बर्तन का यूज कर रहे हैं तो ये नहीं चिपका है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप तिल का या फिर गुड़ का कुछ इस टाइप का सामान बनाएं तो हमेशा नॉनस्टिक बर्तन का ही यूज करें। जो प्लेट हमने ग्रीस करके रखी हुई थी उसमें हमने इस मिक्सचर को निकाल लिया है ताकि ये चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर घी लगा हुआ है वहां पर ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसी स्टेज पर आपको अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करना है घी के साथ और इसके छोटे छोटे से पीस के रोल बनाने हैं और आपको इसे देनी है रेवड़ी की शेप। साथ में जैसे ही आप इसको इस तरीके से फ्लैट कर लें तो इसको फटाफट से तिल में रैप कर दें, इस तरीके से रोल कर दीजिए तो आपकी रेवड़ियां बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएंगी। प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट करना है, गुड़ बहुत गर्म है लेकिन आपको गर्म गर्म ही ये प्रोसेस करना पड़ेगा, अदरवाइज रेवड़ी नहीं बन पाएंगी और गुड़ जम जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाथ में बहुत ज्यादा तेज गर्म लग रहा है तो आप किसी बर्तन का भी यूज कर सकते हैं इसको प्रेस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फटाफट से सारी की सारी रेवड़ी बनाकर रेडी कर ली है।
तो हमारी यहाँ पर रेवड़ी बिल्कुल रेडी है। आप इसे 5 मिनट के लिए अलग अलग करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, तो आपकी रेवड़ी 5 मिनट के बाद बिल्कुल कुरकुरी हो जाएगी। आप सुन सकते हैं कि कितनी कुरकुरी आपकी रेवड़ी बनकर रेडी हुई है। तो है ना ये मजेदार रेसिपी, कितनी ईजी था घर पर आपको इन रेवड़ी को बनाना। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनी है और बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। इस बार इन रेवड़ी की रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें। आई एम डैम श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम से कभी भी मार्केट से रेवड़ी नहीं खरीदने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इजीली और बहुत ही टेस्टी रेवड़ी आप घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप मेरे वीडियो देख पाएं। तो मिलती हूं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।